अच्छी सप्लाई, अच्छी शॉट, लेकिन जबरदस्त ब्लॉक वहां पर मोहनपुर के खिलाड़ी द्वारा, और फायदा मोहनपुर को मिला। कंटिन्यू सर्विस 1-0 की सर्विस मोहनपुर की तरफ से, और ये आउट, और सर्विस चेंज होते हुए अब होगी सर्विस रतनपुर की तरफ से मोहनपुर के लिए 0-1। अब देखना है, काफी अच्छी शॉट, थोड़ी सी ब्लॉक पे टच हुई और गेंद छिटक कर मैदान से बाहर, और एक बार फिर से सर्विस चेंज 1-0। और ये खराब फॉल्ट पकड़ा गया, कंटिन्यू सर्विस 2-0। मोहन रतनपुर को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो उसको मेहनत की जरूरत। बहुत अच्छी ब्लॉक, बहुत अच्छी ब्लॉक, सलीम जैसे खिलाड़ी को ब्लॉक पर रोक लिया मोहनपुर के युवा खिलाड़ी ने, और कंटिन्यू सर्विस स्कोर बोर्ड पर 3-0। बहुत अच्छी इसराफिल, इसी तरह का शॉट खेलने का जरूरत अगर मैच में बने रहना है तो। फिलहाल मोहनपुर के पास इस तरह के खिलाड़ी अगर देखा जाए तो 3-2 खिलाड़ी इस तरह का शॉट खेलते हैं। काफी अच्छी ब्लॉक, लेकिन गेंद अभी भी हवा में। अब देखना है अजफर, और खिलाड़ी समीर तोड़कर आगे आए थे, पीछे बिल्कुल खाली पड़ा था जगह, उसी दिशा में धकेला और एक बार फिर से चेंज कराने में कामयाब 3-0। बहुत अच्छी, लेकिन गेंद छिटक कर बाहर चली गई, फायदा लगातार। और ये खराब सर्विस अजफर के द्वारा जाल में फंसते हुए, इस तरह से सर्विस चेंज 0-4। अच्छी सप्लाई, अच्छी शॉट, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद था लेकिन गेंद को बचा नहीं पाए। 4-0। अच्छी सप्लाई, अच्छी शॉट, समझ नहीं पाए मोहनपुर के खिलाड़ी, फायदा रतनपुर को मिला, लेकिन अभी भी 0 पर रतनपुर। काफी अच्छी ब्लॉक, लेकिन फिर भी चीरता फाड़ता इस मोहनपुर के खिलाड़ी द्वारा, और फिर से सर्विस चेंज 4-0 की सर्विस। बहुत अच्छी शॉट, शायद ने टच कर बैठे मोहनपुर के खिलाड़ी, फिर से सर्विस चेंज 0-4। बहुत अच्छी ब्लॉक इस बार, और इस बार हल्का सा प्लेसिंग, समझ नहीं पाए नजमुल और मिराज, गेंद छिटक कर अपने ही घर में टप्पा खा गए। 4-0 की सर्विस, बहुत अच्छी शॉट सलीम द्वारा, मोटे ज्यादा मोटा हो चुका है, काफी अच्छी सप्लाई, जबरदस्त शॉट, लेकिन मैदान से बाहर अजफर 1-4। रतनपुर के खाता खोलते हुए, और इस बार अताबूर का ये काफी खतरनाक शॉट, सामने खिलाड़ी समीर जो गेंद को समझ नहीं पाए, इतनी रफ्तार तेज थी गेंद का, और 4-1 की सर्विस चेंज सर्विस, हल्की सी फिनिशिंग, गेंद को फील की और इस बार ब्लॉक को चीरता हुआ अजफर, और एक अंक अपने खाते में डालते हुए 5-1 कंटिन्यू सर्विस।
नाकाम रहे रतनपुर के खिलाड़ी। सिक्स वन। बहुत अच्छी शॉट लेकिन मैदान से बाहर, और एक अंक अपने खाते में डालते हैं मोहनपुर के खिलाड़ी। दोनों ही टीम काफी अच्छी टीम है लेकिन रतनपुर जो है थोड़ा सा फॉर्म में नहीं है। आगे करना चाहते थे इश्तियाक लेकिन अपने ही जाल में फंस गए। स्टेपन की सर्विस, चेंज सर्विस, काफी अच्छी शॉट आज के द्वारा। और ये चलाकी भरी शॉट, एक ने चकमा दिया और दूसरे ने गेंद पर प्रहार किया। एक खिलाड़ी मोहनपुर को भी समझ नहीं पाए। फिलहाल 1-7 का ये सर्विस, चेंज सर्विस, और ये मैदान से बाहर। फायदा रतनपुर को मिला धीरे धीरे। 2-7 अभी भी 5 अंक पीछे। अच्छी कोशिश यहाँ पर समीर के द्वारा लेकिन जाल में फंसते। आज पर तैयार रतनपुर के सभी खिलाड़ी तैयार। अब देखना है। बहुत अच्छी शॉट, समझ नहीं पाए आज पर और गेंद की तरफ देखते रह गए और गेंद टप्पा खाकर निकल गए। 2-7। हल्की सी शॉट वहां पर उठाने में कामयाब मोहम्मद समीर लेकिन गेंद अभी भी हवा में। अब देखना है कौन सा टीम और आखिरकार कामयाब हुए रतनपुर के खिलाड़ी। अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो रतनपुर को काफी मेहनत का जरूरी है। अच्छी कोशिश समीर के द्वारा। खिलाड़ी चाहे हीटर हो या फील्डिंग हो, अगर मेहनत अच्छी करता है तो उसके लिए थोड़ा सा ताली से स्वागत किया जाए। जो गेंद को फील्ड किया मोहम्मद समीर वो काबिले तारीफ का फील्डिंग है। फिलहाल 7-3 की सर्विस, चेंज सर्विस, हल्की सी कलाई पर सही ढंग से आया नहीं और शॉट खेल नहीं पाए। तीसरा फील फायदा मोहनपुर को हुआ। 8-3। धीरे धीरे 7 अंक बढ़त बना चुका है स्कोर बोर्ड।
रोड पर मोहनपुर। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसी के साथ एक और अंक का बढ़त बनाते हुए 11-3 आगे का टीम कुर्सेल वर्सेज शमशेरगंज। आप लोग बिल्कुल तैयार रहे, हल्का सा प्लेसिंग, हालांकि इस ताक गेंद का पीछा किया था लेकिन उनके पहुंच से बाहर, उनसे पहले ही गेंद टप्पा खा चुका था। 3-11 बहुत अच्छी हल्की सी शॉट, लेकिन मिराज उसको समझ नहीं पाए, थोड़ी सी तिरसी शॉट, और इस तरह से एक बार फिर से सर्विस चेंज कराने में कामयाब गुलफराज अपने टीम के लिए। टीम खराब शॉट खेला और मोहनपुर को 12-3 काफी अच्छी, बहुत अच्छी यहां पर शॉट देखने को मिली, लेकिन उतनी ही अच्छी कोशिश मोहनपुर के तरफ से सर्विस चेंज कराने में कामयाब हुए रतनपुर के खिलाड़ी। 3-12 कुर्सेल वर्सेस शमशेरगंज, कुर्सेल वर्सेस शमशेरगंज। दोनों टीम के खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आप लोग स्टेज पर आ जाएं, मैदान के आसपास आ जाएं, कुर्सेल और शमशेरगंज की दोनों टीम। कुर्सेल वर्सेस शमशेरगंज, आप लोग अगर ये आवाज सुन रहे हैं तो अपने अपने टीम को बिल्कुल तैयार कर लें, दो ही अंक का अंतर है। काफी अच्छी ब्लॉक इस बार समीर का, ये फील्डिंग काफी अच्छी बचाव वहां पर, और गुलफराज का ये शॉट जो समझ नहीं पाए सामने वाले खिलाड़ी, और 13-3 अगर देखा जाए 10 अंक का बढ़त मोहनपुर के पास। हल्का सा शॉट लेकिन बचाने में कामयाब अजफर का मेहनत, बहुत अच्छी मेहनत की थी लेकिन फिर भी नाकाम रहे, और इस तरह से सर्विस होता हुआ हाथी खराब फील्डिंग, और एक अंक